नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। होलिका दहन में अगर हमें ये मालूम पड़ जाए कि राशि अनुसार हमें किस तरीके की आहुति जरूर देनी चाहिए, यानी जब होलिका दहन होता है उस अग्नि में हमें क्या चीजें अर्पित करनी चाहिए, और खास करके कहते हैं कुछ खास राशि वालों को कुछ खास ही चीजें अर्पित करनी चाहिए, और उनमें से क्या चीजें हैं जो आपके सारे कष्ट हर लेती हैं। अब जैसे राशि अनुसार की बात करें तो सबसे पहले मेष राशि यानी एरीज वालों की बात करते हैं, तो उनके जो स्वामी होते हैं वो मंगल होते हैं। ऐसे ही वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो वालों के स्वामी भी मंगल ही होते हैं, और मंगल जो है वो बहुत तेज ग्रह है, अग्रेसिव ग्रह है। कहीं ना कहीं ऐसी राशि वालों को जल्दी गुस्सा आता है, क्रोध आता है, उनके काम जो है होते होते बिगड़ने लगते हैं, जल्दी हाइपर हो जाते हैं, किसी की बात नहीं सुनने वाली उनकी एक नेचर होती है, पेशेंस लेवल जो है वो थोड़ा कम होता है। वैसे तो कहते हैं सैनिक प्रवृत्ति के होते हैं क्योंकि सैनिक प्लेनेट होता है, लेकिन जहां गुस्सा करना चाहिए वहीं करना चाहिए, जहां गुस्से की जरूरत जगह नहीं है। अगर आप वहां गुस्सा दिखाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान उठाना ही पड़ता है। तो ऐसे लोग होलिका दहन पर किस चीज से आहुति दें कि उनकी थोड़ी सी नेगेटिविटी है वो भी कम हो, अग्रेशन गुस्सा जो है वो भी कम हो, और साथ के साथ उनके काम बिगड़े नहीं बल्कि काम बने। मंगल यानी गुड़ की इन्हें जरूर एक आहुति देनी ही चाहिए। इसके अलावा आप बहुत सारी चीजों के साथ भी होलिका दहन की पूजा कर सकते हैं, लेकिन जो जरूर होना चाहिए आपकी पूजा के समय, आपके पास सामग्री जो जरूर होनी चाहिए वो है गुड़, और गुड़ की कम से कम 8 ढेलियां लेनी है आपने। कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा तो आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम मिनिमम 8 पीसीज उसके गुड़ के ले लीजिएगा, और आपने परिक्रमा करने के बाद 4 परिक्रमा करनी है, और ये गुड़ जो है दहन में यानी अग्नि में स्वाहा कर देना है, और साथ के साथ ये एक कामना करनी है कि हमारे जीवन में जितनी रुकावटें हैं, जितने हर्डल्स हैं, वो सारे दूर हों, हमारा मन शांत हो और हमारी कोई भी किसी भी काम में अड़चन ना आए। अब आती है सेकेंड राशि, यानी जैसे हमने फर्स्ट राशि में कहा कि मेष यानी एरीज, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों, सेम आप चलते हैं सेकेंड राशि, और सेकेंड राशि यानी वृष टॉरस, और इसके स्वामी होते हैं शुक्र, और साथ के साथ अगर हम लिब्रा की तरफ चलते हैं यानी तुला राशि वाले, इनके भी स्वामी शुक्र होते हैं। ये बहुत हैप्पी तो रहना चाहते हैं, लेकिन शुक्र अगर किसी कंडीशन में कुंडली में अच्छी अवस्था में नहीं होते तो ये विचलित भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं, यानी इनको लेविश लाइफ बहुत ज्यादा पसंद होती है, हर इच्छा इन्हें पूर्ण करना बहुत अच्छा लगता है, सजना सवरना और सारे हर एक काम इनके पूरे होते रहने चाहिए, लेकिन अगर जरा सा भी काम इधर से उधर कुछ हो जाता है तो इनका हाइपर जो टेंशन होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी इन्हें एडजस्ट करने की आदत ही नहीं होती है। तो आदत तो रखनी चाहिए एडजस्ट करने की, उसके अलावा आपके कोई काम नहीं बिगड़ने चाहिए। अगर आप जैसे लेविश लाइफ की बात करते हैं कि अपने मन मुताबिक आप अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आपकी जिंदगी मन मुताबिक हो, कोई हर्डल्स ना आए, किसी तरीके की परेशानी आपको बार बार ना घेरे, किसी तरीके का नुकसान आपको ना हो, तो ऐसे लोगों को बाकी तो जो चीजें आपने अर्पित करनी है वो कीजिएगा, लेकिन इसके अलावा ऐसे लोगों को बताशे, 21 बताशे लेने, 21 बताशे लीजिएगा, व्हाइट कलर के ही होने चाहिए, छोटा बड़ा साइज कितना भी हो सकता है, और 21 बताशे लेकर के इन्हें आहुति तो देनी है लेकिन कम से कम 8 परिक्रमाएं इन्हें करनी चाहिए होलिका दहन की। होलिका दहन की 8 परिक्रमाएं करने के बाद इन बताशों की आपने आहुति दे देनी है, और साथ के साथ ये कामना करनी है कि आपकी जिंदगी में जो लेविश लाइफ है वो हमेशा बनी रहे, आपको कभी नुकसान ना हो, आपको कभी भी
आर्थिक तंगी ना हो, क्योंकि आर्थिक तंगी होती है, फाइनेंस इनका बंद होता है तो ये बड़े बौखला जाते हैं, क्योंकि इन्हें खुश रहना, इन्हें हैप्पी रहना, इन्हें लेविश लाइफ, इन्हें बड़ी बड़ी चीजें पसंद, मोबाइल पसंद, बड़ी गाड़ी, यानी ऐसी चीजें, पार्टीज, ये सब चीजें बहुत ज्यादा पसंद होती है। तो इसके लिए आपने यही दुआ करनी है कि आपकी जितनी भी लेविश लाइफ है उसको किसी की नजर ना लगे, और कभी नजर लगी भी है तो वो सारी नजर ये है इस स्वाहा के साथ ही उतर जाए। अब थर्ड राशि की बात करते हैं। एक तरफ थर्ड राशि है, दूसरी सिक्स्थ भी होगी इसमें, यानी थर्ड राशि है आपकी मिथुन, और सिक्स्थ जो इसके साथ कॉम्बिनेशन इसके स्वामी होते हैं बुध, वो होती है कन्या। यानी मिथुन राशि के स्वामी भी बुध है और कन्या राशि के स्वामी भी बुध है मरकरी, और मरकरी जो होते हैं बड़े माइंड के कारक होते हैं, और माइंड का कारक हमेशा ध्यान रखिए ये बहुत ही सेटल्ड होते हैं, अगर इनका प्लेनेट जो है कुंडली में भी बहुत अच्छी कंडीशन में हो। दिमाग से सोच करके काम करेंगे, कई बार एक्सेस सोच लेते हैं, बोलेंगे तो ऐसे लगता है कि बहुत मीठा बोल रहे हैं, लेकिन कड़वा बोलने लगेंगे, ओ माय गॉड, तो छप्पर फाड़ देंगे। तो ऐसी कंडीशन में एक बैलेंस लाइफ जो होती है वो बहुत जरूरी होती है। यानी वर्गो और जेमिनी, आपके जो स्वामी बुध है तो आपको किस चीज की आहुति जरूर देनी चाहिए। इन लोगों को होलिका दहन में कपूर की आहुति जरूर देनी चाहिए। इसके अलावा आपको जो चीजें डालनी है उसमें डाल सकते हैं, सारे कष्ट संकट दूर करने की दुआ मांग सकते हैं, ताकि आपके जीवन में जो बात आप कहें वही बात सामने वाले को समझ आए और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर ना पड़े, इनफैक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। तो 17 तारीख का जो होलिका दहन है इसमें आपने खास ध्यान रखना है कि किस राशि वालों को क्या चीजें जो है जरूरी होती है, वहां उस समय आपने आहुति देनी ही है। कर्क राशि के स्वामी की बात करते हैं तो इनके चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा का अधिकार एक राशि पर है, सूर्य का अधिकार भी एक राशि पर है, लेकिन बाकी जितने ग्रह हैं उन सबका अधिकार जो है दो दो राशियों के ऊपर है। कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा, ऐसे लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना है कि इनको किसी तरीके का इनका मन विचलित ना हो, बहुत जल्दी लो हो जाते हैं, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं। इन्हें सारी चीजें तो जो करना है कीजिए, आप आहुति देनी है दीजिए, इन्हें 5 गोमती चक्र जरूर अर्पित करने चाहिए, और साथ के साथ मिश्री मिश्री और गोमती चक्र ये अर्पित करने चाहिए इन्हें होलिका दहन की अग्नि में। अगली राशि की बात करते हैं कि सिंह राशि यानी लियो वालों का, जिन मैंने कहा ना कि सिंह राशि के पास सूर्य की राशि के पास एक अधिकार है और चंद्रमा की राशि के पास एक अधिकार है, एक रानी की उपाधि में है और एक राजा की उपाधि में है। अब सिंह राशि वालों को हमेशा अगर जो समस्याएं आते हैं, जैसे नौकरी की परेशानी है या व्यापार की परेशानी है या निजी जीवन में कोई परेशानी है, तो ऐसे लोगों को गुड़ की आहुति देनी चाहिए। होलिका दहन की अग्नि में गुड़ की आहुति इन्हें बहुत उत्तम रिजल्ट देती है, इनका मन भी शांत करती है। अब ये तो अब होगी राशि, अब गुरु की दो राशियां बच गई हैं, यानी धनु राशि और मीन राशि, और फिर मकर राशि और कुंभ राशि, यानी दो शनि की राशियां हैं, दो गुरु की राशियां हैं, शुक्र की हो गई, बुध की हो गई, मंगल की राशियां हो गई। चलिए सबसे पहले हम करते हैं गुरु की राशियां, यानी धनु यानी सेजिटेरियस और पाइसियन यानी मीन राशि। इनके स्वामी होते हैं जुपिटर यानी गुरु। तो गुरु की राशि वालों को किस तरीके की चीजों को आपको अर्पित करना चाहिए, ताकि आपको कभी भी स्ट्रेस ना हो, आपका डिमोशन कभी ना हो, आपको हमेशा फायदा मिलना चाहिए, आपको हमेशा जिंदगी में एक अच्छा मुकाम मिलना चाहिए। इन्हें हमेशा जो खास करके इस होलिका दहन की अग्नि की बात करते हैं, तो इन्हें चने जरूर अपने साथ में ले जानी चाहिए, इन्हें बलियां जरूर ले जानी चाहिए, और साथ के साथ कौड़ियां, पीली कौड़ियां, यानी कौड़ियां अगर के आपके पास व्हाइट है तो उसे पीला रंग, पीले चंदन से रंग लीजिए, पीली कौड़ियां, 5 कौड़ियां इन्हें जरूर अर्पित करनी चाहिए। यानी ये सेजिटेरियस वालों के लिए है, और खास करके
पाइसियन वालों के लिए, तो इन्हें स्ट्रेस भी नहीं होगा, परेशानी भी नहीं होगी। अब दो आखिरी राशि बचती हैं जो शनि यानी सैटर्न का अधिकार है जिनके ऊपर, वो है मकर राशि और कुंभ राशि, यानी एक्वेरियस है और कैप्रिकॉर्न। और कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस वालों को किस तरीके की चीजें जो है वो आहुति में जरूर डालनी चाहिए। इन्हें अपने साथ सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना है कि अपनी जिंदगी में एक ठहराव लाने का प्रयास कीजिए। वैसे ये शनि ठहराव के देवता होते हैं, न्याय जस्टिस के देवता होते हैं, बट फिर भी ये कभी कभी अपना आपा बहुत जल्दी खो देते हैं। तो ऐसे लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, गुड़ होना चाहिए, थोड़े तिल होने चाहिए, और साथ के साथ इनके पास बलिया जरूर होनी चाहिए जब आप आहुति दे। और साथ के साथ एक उपला अगर के आप ले सकते हो तो वो भी आपके पास जरूर होना चाहिए। तो सैटर्न का अधिकार जिन राशियों पर है उन राशि वालों को इस तरीके की विधि जरूर करनी चाहिए, आपकी जिंदगी से कष्ट दूर हो, आपका जीवन सुखमय हो, हम यही कामना करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा, और मेरी आने वाली वीडियो को आप इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।